हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पाइनएप्पल केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बिल्कुल बाज़ार जैसे एकदम बनता है। तो मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप दूध डाल रही हूँ मैं। दूध जो है रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप रिफाइंड और 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पीसी हुई चीनी। पीसी चीनी मैं थोड़ा कम ले रही हूँ, क्योंकि इसमें आइसिंग होने से केक हमारा ज़्यादा मीठा हो जाता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारा जो बैटर है मिक्स है। अब मैं एक छन्नी ले रही हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा, 1/2 चम्मच खाने का सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को थोड़ा सा मैं ज़्यादा ली हूँ ऊपर तक भर के। इन सबको हमें छान लेना है। मैदा छानने से इसमें एयर फॉर्म होता है, हमारा केक अच्छा फूलता है। 1 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस, थोड़ा सा येलो फूड कलर। येलो फूड कलर ऑप्शनल है, इसे स्किप कर सकते हो आप। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो हमारा केक जो है ख़राब हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर ठीक है, तो थोड़ा बहुत और दूध आप ऐड कर सकते हो। हमें इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए सबसे लास्ट में 1/2 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से नींबू का रस और बेकिंग पाउडर जो है एक रिएक्ट होता है, जिसमें उससे अच्छा केक फूलता है। दोनों मिक्स होकर के एक एयर फॉर्म करता है, इसीलिए हमारा केक अच्छा फूलता है। अब जिस भी ट्रे में आप बना रहे हो, उसे ऑयल लगा के ग्रीस कर लें। उसके बाद थोड़ा सा मैदा छिड़क दें उसमें। केक का बैटर डालने के बाद नीचे से थोड़ा थोड़ा टैप करें। जिसमें भी बना रहे हो, कढ़ाई या फिर कुकर में, उसे पहले से हीट कर लें। उसको ढक्कन बंद करके मैं 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए हमारा केक जो है बहुत अच्छा बना। इसे निकाल के ठंडा कर लेना फ्रेंड्स। केक जो है कभी कभार जल्दी भी बन जाता है या फिर ज़्यादा टाइम भी लगता है। केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा नीचे से टैप कर लें, उसके बाद उठाएं। ये देखिए बहुत अच्छा केक हमारा बना है, बहुत स्पॉन्जी है। उसे साइड में रख देते हैं और क्रीम को बीप कर लेंगे। क्रीम जिसमें भी बीप कर रहे हैं, उसके नीचे आप आइस डाल करके थोड़ा सा पानी डालें, जिससे हमारा क्रीम जो है मेल्ट नहीं होता, अच्छा बीप होता है। यहाँ मैं बीप क्रीम ले रही हूँ रिच कंपनी का, जिस जो भी कंपनी आपको पसंद हो ले सकते हो। 1 कप क्रीम ली मैं। पहले 2 मिनट स्लो में इसे बीप करें, उसके बाद इसका स्पीड बढ़ाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्रीम है ऑलमोस्ट बीप हो चुका है। ये देखिए जब इस तरह से लगे कि गिराने से भी पलटने से भी नहीं क्रीम गिर रहा हो, तो समझिए आपका क्रीम जो है बीप हो चुका हो। अब केक को काट लेते हैं। केक को मैं धागा से कट कर रही हूँ। इस तरह से मैं धागा लगा के क्रॉस करना है और थोड़ा थोड़ा खींचते हुए लास्ट तक लेके जाना है। इससे हमारा केक जो है एक लेवल में कटता है, मोटा पतला नहीं होता है। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा केक कटा हमारा। इसी तरह से मैं दूसरी लेवल में लेयर भी काट कर लूँगी। इसके बाद नीचे में थोड़ा सा क्रीम लगाएं, ताकि आपका केक जो है घिसके नहीं। केक को हमें मॉइस्चर करना है। ये मैं पीसी हुई चीनी और पानी को घोल तैयार की हुई है, शुगर सिरप। केक को जितना अच्छा से मॉइस्चर करेंगे, उतना ही अच्छा आपका केक सॉफ्ट होगा। इसके बाद इसमें पाइनएप्पल क्रश मैं डाल रही हूँ। इसके जगह में आप पाइनएप्पल का पीसेस भी डाल सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर से बीप किया हुआ क्रीम लगाएं।
क्रीम आपको जितना पसंद हो उस तरह हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद हो तो ज़्यादा लगा सकते हो। इसे अच्छे से हर तरफ से हमें फैला लेना है और इसके ऊपर से केक का दूसरा भाग हमें रख देना है। अब इसी इस केक को भी अच्छे से मॉइस्चर करें जिस तरह से पहले वाले मॉइस्चर की थी मैं। और वापस से फिर इसके ऊपर से पाइनएप्पल क्रश इसे अच्छे से फैला लें। उसके बाद ऊपर से फिर वापस क्रीम लगा देना हमें। केक को आप चाहे तो जितना भी लेयर में आप कट करके उसे बना सकते हो अपने पसंद के अनुसार। देखिए सबसे टॉप वाला भी मैं रख दी हूँ। इसके ऊपर से भी उसी तरह से हमें शुगर सिरप डालना है। अगर आपका केक थोड़ा मोटा पतला हो तो उसे कट करके बराबर कर सकते हो। अब इसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे। क्रीम को हमें अच्छे से स्मूथ करके लगाना, अच्छे से प्लेन कर लेना हमें। साइड साइड में भी अच्छे से प्लेन कर ले। हमें इसी तरह से हर तरफ से घुमाते हुए अच्छे से केक को एक लेवल में करना है। ये देखिए हमारा केक जो है रेडी है इस तरह से। इसके ऊपर से मैं कुछ पाइनएप्पल क्रश लगा रही हूँ और पाइनएप्पल क्रश और क्रीम मिला करके भी साइड में लगा दी। आप गार्निशिंग अपने पसंद के अनुसार कर सकते हो। मैं स्प्रिंकल और चेरी लगा के गार्निश इसे कर रही हूँ। ये देखिए हमारा केक जो है रेडी है। फ्रेंड्स मैं आपको इसे कट करके ज़रूर दिखाती लेकिन इसे मैं कट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये मैं बर्थडे के लिए बनाई हुई हूँ। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत बढ़िया ये बना है। इसी तरह से अच्छी से रेसिपी लेकर के मैं आती